नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पिनेकल स्टडी यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में मैं आपको कराऊंगा 14 जनवरी के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस की पीडीएफ का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से जाकर आप इन क्वेश्चंस की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। और अभी तक जिसने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में जो बेल आइकन है वो भी दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें। हाल ही में फिश फेस्ट 2019 का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो जिस राज्य में फिश फेस्ट 2019 का उद्घाटन किया गया उस राज्य का नाम है पश्चिम बंगाल। और इस उत्सव का आयोजन पश्चिम बंगाल के मत्स्य विभाग यानी फिशरीज डिपार्टमेंट द्वारा किया जाता है। तो बात यहाँ पे पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल की आती है, तो आपको पश्चिम बंगाल के बारे में ये चीजें पता होनी चाहिए। जैसे पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री का नाम है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल है केशरी नाथ त्रिपाठी। हाल ही में 25वां पार्टनरशिप समिट का आयोजन कहां किया गया? वेयर वॉज द 25th एडिशन ऑफ पार्टनरशिप समिट रिसेंटली ऑर्गेनाइज्ड? तो जो 25वां पार्टनरशिप समिट हुआ वो हुआ मुंबई में। और इस शिखर सम्मेलन का आयोजन औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन द्वारा किया गया। किस देश के साथ भारत ने हाल ही में नवीनीकरण ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं? तो जिस देश के साथ भारत ने नवीनीकरण ऊर्जा यानी रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं उस देश का नाम है फ्रांस। अब बात फ्रांस की आती है तो फ्रांस के बारे में आपको उसकी राजधानी पता होनी चाहिए, जिसकी राजधानी है पेरिस। उसकी फ्रांस की करेंसी यानी मुद्रा है यूरो और फ्रांस के राष्ट्रपति का नाम है इमैनुएल मैक्रोन। हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने ONGC की कौन सी गैस परियोजना को मंजूरी दी है? विच ऑफ द ONGC गैस प्रोजेक्ट्स हैज रिसेंटली बीन अप्रूव्ड बाय द नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड? तो उस गैस परियोजना का नाम है तृष्णा गैस परियोजना। और ये जो तृष्णा गैस परियोजना है ये है तृष्णा वन्यजीव विहार में, जो है त्रिपुरा में। तो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री है बिप्लब कुमार देव और त्रिपुरा के जो राज्यपाल है उनका नाम है कप्तान सिंह सोलंकी। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गंगाजल परियोजना का उद्घाटन कहां पर किया? तो गंगाजल परियोजना का जो उद्घाटन है वो किया आगरा में। यह कार्यक्रम बेहतर पेयजल की आपूर्ति प्रदान करेगा जिससे निवासियों के साथ साथ पर्यटकों को भी लाभ मिलेगा। गंगाजल परियोजना का लक्ष्य गंगा के 140 क्यूसेक जल को आगरा में लाना है। हाल ही में EIU डेमोक्रेटिक इंडेक्स में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? EIU की फुल फॉर्म है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो EIU के डेमोक्रेटिक इंडेक्स में जो देश सबसे शीर्ष पर रहा है उस देश का नाम है नॉर्वे। तो नॉर्वे है पहले स्थान पे। और भारत देश का स्थान कौन सा है? भारत देश का स्थान है इसमें 41 यानी 41वां। तो नॉर्वे की राजधानी है ओस्लो, मुद्रा यानी करेंसी है क्रोन और नॉर्वे के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम है एर्ना सोलबर्ग। हाल ही में भारत ने किस देश के बैंक को मुंबई में एक शाखा खोलने की अनुमति दी है? रिसेंटली इंडिया हैज गिवन द परमिशन टू विच कंट्रीज बैंक टू ओपन ए ब्रांच इन मुंबई? तो वो ईरान का बैंक है और उसका नाम है पसरगाद बैंक। तो ईरान के बारे में भी आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे ईरान की राजधानी है तेहरान, ईरान की करेंसी यानी मुद्रा है रियाल और ईरान के राष्ट्रपति का नाम है हसन रूहानी। स्वदेश दर्शन के तहत पर्यटन मंत्रालय ने कितनी परियोजनाओं को मंजूरी दी है? हाउ मेनी प्रोजेक्ट्स हैव बीन सैंक्शनड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म
अंडर द स्वदेशी दर्शन। तो इन परियोजनाओं की संख्या है चार, और मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टूरिज्म एंड कल्चर उनका नाम है एल्फोंस कन्नंथनम, और ये परियोजना तीन राज्यों में होगी, मेघालय, गुजरात और उत्तर प्रदेश। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करो और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो, और अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।